भाई हमने अभी मंगवाई है जी शकरकंदी, जो कि कोयले वाली है, बड़ी मज़े की होती है, बहुत अच्छी होती है। तो फिलहाल तो ये खाने लगे हैं, थोड़ी सी भूख लगी थी तो कहा इसी अपडेट के बाद। अभी हम सुबह आए हैं, तो अभी आप गाड़ी देखिए ना, तो ये छत का जो ये पोर्शन है ये सारा हमने पेपर इसका उतार दिया था। अभी ये देखिए कितनी गंदी है, इसलिए कहते हैं कि अगर छत पे अगर आपने पेपर लगवाना तो रसूख समझ के लगवाएं, बिला वजह ना लगवाएं। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है जी, मतलब ये हमने ब्लैक करवा लिया है, शीशा भी ब्लैक हो गया है गाड़ी का, ठीक है। अभी गाड़ी लॉक है, चाबी अंदर पड़ी हुई है इसकी, तो ये सारा ये हल्का है, वो पीछे वाला ज़्यादा है। और उसके बाद अभी गाड़ी जो है वो सारी डिटेलिंग इसकी होने वाली है। जब गाड़ी की कंडीशन आपके सामने है, शदीद शदीद गंदी है गाड़ी। और ये है जी आपके भाई की अब की सिविक, जो आपके भाई ने कन्वर्ट कर ली है, मतलब कि एक्सचेंज कर ली है, तो उसके ये आ गई है, तो हम भी सिविक वाले लौंडे बन गए हैं। तो बॉयज़ अभी हम लोग आ चुके हैं जी बाबा स्वीट्स पे, फैसल साहब जो हमारे सबसे फेवरेट ने हैं जो यहाँ पे हमें सर्व करते हैं। तो ये हमारी सैंडविचेस रेडी हो रही हैं, ये देखें ज़रा, तीनों की तीनों के फ्लेवर डिफरेंट है हम सबके, आपने खुद आके सेलेक्ट करना है। सैम साहब ने व्लॉग शुरू किए हुए हैं तो अभी ये लाइव बना के देते हैं, यहाँ पे पिज्जा भी लाइव बनता है, सामने आपके बना के देते हैं वो डो है। A few moments later. नहीं आज से भी यार इसका कोई नाम भी रख लेते हैं, अभी पता नहीं कितने दिन हमारे पास है, तो दिन दिहाड़े भी आपको चेक करवा ले हैं गाड़ी। तो ये है जी गाड़ी, इसके अंदर यहाँ पे आप देखें तो ये मिसिंग है, यहाँ पे हल्का सा निशान है। इसके अलावा गाड़ी आप अंदर से देखें तो कैसी है, ये देखें ज़रा, उसी रात को जो कोशिश करवाई थी ना उसका रिजल्ट देखें, कितनी प्यारी लग रही है गाड़ी। बाकी चेक कर लें, गाड़ी सारी फिट हो गई है रियर से, ये देखें ज़रा गाड़ी, ये RS का लोगो इसके ऊपर लगा हुआ है। बाकी पूरी गाड़ी जो है वो बेहतरीन है, इसकी ड्राइव बड़ी मज़े की है, मैंने उसने जब चलाई थी। अभी इस ये वॉश होनी है, अभी मैं जा रहा हूँ डेंटर के पास, डेंटर के पास जाके इसकी एक दो चीज़ें चेक करवानी है हमने। और ये यहाँ पे देखें ना, ये यहाँ पर फेंट हुआ हुआ है, इसका देखो क्या हल निकलता है बहरहल। बाकी गाड़ी चलाई वाइज ड्राइव वाइज बहुत मज़े की है यार, मज़ा आता है इसको चला के, स्पेशली आप जब हैरान से इस तरह की गाड़ी में अपग्रेड करते हैं आपको फ़र्क नज़र आता है। खैर अभी हम जा रहे हैं डेंटर के पास, फिर हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर वापस आ चुके हैं। सामने एक गाड़ी का फ़ोटोशूट कर रहे हैं उमर खान साहब, क्योंकि उमर खान साहब काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बन चुके हैं, तो उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो वो कभी कभी यहाँ पर आके फ़ोटोशूट करते हैं। हम अभी जा रहे हैं डेंटर के पास, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर कुछ चीज़ें करवानी हैं, जैसे कि इसके बम्पर जो हैं वो पेंट होने वाले हैं, वो काफ़ी रफ हैं। इसके बाद वो नीचे जो होते हैं मड फ्लैप्स, जिनको हम पंजाबी में चिकड़ मैट बोलते हैं, वो भी लगवाने वाले रहते हैं। और बोनट भी दिखाना है कि बोनट का क्या हाल निकाला जाए, बोनट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है, रफ़ हुआ हुआ है, उसका क्या हाल निकलता है, लेट्स सी। अभी हम लोग बस यहाँ से ये शूट ख़त्म होता है, तो उसके बाद हम लोग जो है यहाँ से जा रहे हैं सीधे इधर। माशाल्लाह जी शोरूम के अंदर कुछ और सामान आया है, ये कन्वर्जन और पार्ट्स के लिए है, गाड़ियों की मेन मेन चीज़ें, मतलब छोटे पार्ट्स के लिए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, इस पर भी वर्किंग हो रही है और आने वाले टाइम पे इस पर भी वर्किंग होगी। मेन तो काम मतलब चल ही रहा है ना शोरूम का, फिर ये कुछ सामान जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा काम इंशाल्लाह साथ साथ चलता रहेगा। अभी ये सिर्फ एज ए सैम्पल मंगवा रहे हैं, और अगर कोई ऑर्डर आए तो उसको रिसीव करके आगे पहुँचाना है। भाई एक और न्यूज़ है, वो ये है कि हम लोग अभी जा रहे हैं दूसरे शोरूम पर, क्योंकि हमारी गाड़ी जो मेहरान है उसका NOC लेटर जो है ना वो एक्साइज में था, बाकी सारी फाइल क्लियर होके आ गई थी, लेकिन NOC नहीं आया था। और वो NOC जब तक ऑनर को नहीं जाना था उनकी गाड़ी आगे उनके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी। तो अब जो है वो बैंक से ट्रांसफ़रशिप ख़त्म हुई है, तो जिनकी गाड़ी थी जिनसे मैंने खरीदी थी उनके नाम पर हुई है, और वो NOC जो है वो बैंक वहाँ से एक्साइज से क्लियर होके आ गया। अभी हम वो जाके रिसीव करेंगे, और वो जिनकी गाड़ी जिनसे लेनी है उनसे रिसीव जो है वो उनको हम हैंड ओवर कर देंगे, तो इंशाल्लाह हमारा मेहरान वाला जो किस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके जी हम लोग शोरूम आ गए हैं यहाँ पे, अब NOC यहीं पे मिलता है मुझे। एक तरफ यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है, कॉन्वर्सेशन है, आई थिंक ये सर्विस डिपार्टमेंट की चल रही है, क्योंकि इनकी गाड़ी एक नई आई थी उसी के रिलेटेड में वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। ये वाली गाड़ी है, और अभी हमने जाना है राशिद साहब के पास, जो कि आई थिंक फ्री हो चुके हैं। NOC जो है हमारी गाड़ी का वो इन्हीं के पास है, वो लेंगे फिर इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग निकलेंगे। ओके जी रात का टाइम रोटी टाइम है, और रोटी टाइम में हमारा लेके हैं यहाँ पे जी चिकन दाल, और ये डिफरेंट मिलती है, मटन भी मिलता है इसमें, बट मुझे क्योंकि चिकन वाली सही लगती है तो हमने फिर इन सब लोगों को इंसिस्ट किया कि मैंने भाई चिकन वाली खानी है, भूख प्रोग्राम हमारा फुल है। तो ये आ गई है जी हमारी, और इसकी हम इंशाल्लाह बाइट लेते हैं और आपको बताते हैं इसका कैसा एक्सपीरियंस है। कैसा है जी, मज़ा आया? अगर ना अच्छा लगा ना तो ये भाई जिसका आइडिया है ना इसको इसकी खैर नहीं,
क्या भूख ज्यादा लगी हुई है जो भी है, बहुत भाई ऐसे नहीं किसी को रिकमेंड करते कुछ सही है, बहुत मजेगा, अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अपने भाई का जो है ये देखे जी एनओसी आ चुका है और ये एनओसी जो है इंशाल्लाह हम उनके हवाले करेंगे। ये देखे जी बैंक का है, ये सारे इसके अंदर डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। तो ये जिनको गाड़ी हमें सेल की है उनके हैंड ओवर कर देंगे और अल्लाह खैर करे तो अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह ताला उनकी भी किस्मत में करे। अब सिर्फ स्मार्ट कार्ड है जो हमने उनको देना है, वो कब आता है किस डेट पर आता है इसका कोई हमें आइडिया नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्मार्ट कार्ड जो है वो अवेलेबल नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा लोग खप रहे हैं, पाँच पाँच माह से छः छः माह से सोलर पैनल कार्ड जो है वो नहीं आ रहे। तो ये एक चीज़ है, जब आएगा फिर देखी जाएगी। अभी सारा कुछ उनके हैंड ओवर कर दिया, डॉक्यूमेंट सारे उनके पास हैं, अल्लाह खैर करे कार्ड आएगा उनके हैंड ओवर कर देंगे तो फिर वो अपनी गाड़ी अपने नाम करा सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।